साई राम, एक साधारण सा दिन था और मैं अपने पुट्टपर्ती के रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी के ऑफिस में अपने काम पर लगा हुआ था। अचानक मेरा फोन बजने लगा और जब मैंने देखा वो मेरी पत्नी पूजा कॉल कर रही थी। मैंने फोन उठाया और पूजा कहती है, अरविंद तुरंत घर आ जाना। क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगी, तुम तुरंत अभी घर आ जाना। अरे, और उसने फोन काट दी। मैं सोच रहा था, अरे ये क्या हो गया, नॉर्मली मुझे अब 5 मिनट लगते हैं ऑफिस से घर जाना बाइक पर, लेकिन उस दिन मैं निकला स्टूडियो से, इतना तेजी से चला के गया, 2 मिनट में अपना घर पहुंच गया। और जैसा ही घर के अंदर गया, मैं देखा कि पूजा वहां बैठी हुई थी जमीन पर और उसके सामने एक शिरडी साई सच्चरित्र का किताब था। वो किताब की ओर इशारा कर रही थी। उधर उसके एक पन्ने पर पूरा विभूति था और मैं सोचने लगा कि ये किसने ऐसा विभूति डाल दिया किताब पर। जब पूजा ने मुझे बताया कि क्या हुआ है, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। प्रेम स्वरूप श्री साई सच्चरित्र में शिरडी के साई बाबा के अनेक कहानियां हैं, लेकिन श्री साई सच्चरित्र एक कोई कहानी किताब नहीं है, ये एक पारायण ग्रंथ है। अनेक सारे भक्त इसका पठन करते हैं 1 सप्ताह के लिए, 7 दिनों के लिए, और जब इसका पठन कर रहे हैं तब वे सिर्फ सात्विक भोजन खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, नामस्मरण का साधना करते हैं और कई लोग उपवास भी करते हैं। ऐसे माना जाता है कि ये सप्ताह करने से उनके दिल में जो प्रार्थना और आशाएं है, शिरडी के साई बाबा उसे प्रदान करते हैं। लेकिन कई भक्त कुछ मांगते भी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो बाबा देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अच्छा है। वो बस साधन के रूप में ये सप्ताह करते हैं और बाबा पर छोड़ देते हैं कि बाबा आप जो चाहे हमें प्रदान कर दो, आप जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। मेरी बीवी पूजा जो है, वो कई सालों से ये शिरडी साई सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करते आ रही थी और जब भी ये करती थी कुछ अजीब सा चमत्कार होते थे घर में। जब मैंने देखा पूजा पहली बार अपने घर में, मतलब शादी होने के बाद जब आई थी, तब ये शिरडी साई सच्चरित्र का पारायण कर रही थी, तो 7वें दिन वो शिरडी बाबा की आरती उतार रही थी स्वामी के साथ, हाँ, और नैवेद्य के रूप में शिरा एक मिठाई रखी थी। कुछ देर बाद जब हमने देखा, उस शिरा में बहुत सारा विभूति आ गया था और हम सब बहुत आनंदित हुए थे। ये सब देखने के बाद भी मुझे कभी ऐसा मन नहीं लगा शिरडी साई सच्चरित्र पारायण करने का, क्योंकि मैं तो बस अपने भगवान श्री सत्य साई बाबा, अपने स्वामी को मानता था। मुझे लगता था कि ये कोई द्रोह होगा, हाँ, मैं स्वामी को मान रहा हूँ और शिरडी साई बाबा का किताब पढ़ रहा हूँ। और मैंने सोचा कि देखो, स्वामी के बारे में इतने सारी कहानियाँ हैं पढ़ने के लिए, तो वो पहले पढ़ के ख़त्म करूँगा। सत्यम शिवम सुंदरम है पढ़ने के लिए, शिरडी के साई का कहानी क्यों पढ़ूँ, तो इसलिए मैंने कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन इस बार पूजा ने मुझे बताया कि जैसे ही वो अपना पारायण कर रही थी, हर एक अध्याय के बाद, हर एक चैप्टर के बाद वो नमन और प्रणाम करती है शिरडी बाबा को, और उस अध्याय खत्म करके, समाप्त करके, जब उसने अपने आंख बंद करके शिरडी साई को याद किया, उसी क्षण जैसा ही उसने अपने आंख खोला था, उस किताब पर इतना विभूति आ गया था, ये देखकर पूजा के हाथ से वो फिसल गया वो किताब, और इसलिए उसने तुरंत मुझे फोन लगाया और बताया कि अरविंद तुम घर आ जाओ, ये देखो, ये तो मुझे तो मतलब इतना आश्चर्यजनक था ये चमत्कार कि मुझे लगा कि तुरंत तुझे बुलाना चाहिए। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मुझे भी श्री साई सच्चरित्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद कई और चमत्कारें
मेरे सामने आने लगे। मतलब पूजा की एक दोस्त है, उसका नाम है पूर्णा। पूर्णा और पूजा एक साथ स्वामी के अनंतपुर कॉलेज में पढ़े थे। पूर्णा को भी ये शिरडी साई सच्चरित्र सप्ताह करने की आदत थी। तो जब वो गर्भवती थी ना, तब जब वो पारायण कर रही थी, वो एक दुविधा में पड़ गई। वो ये सोचने लगी कि जब भी मैं शिरडी साई सच्चरित्र का पारायण करती हूँ तब मैं उपवास रखती हूँ, लेकिन अभी मैं गर्भवती हूँ, उपवास रखना अच्छा नहीं है, मतलब शिशु के लिए, मैं क्या करूँ। उसकी माँ ने उसे समझाया कि देखो पूर्णा, तुम उस पारायण ग्रंथ का पठन करो लेकिन उपवास मत रखो। लेकिन पूर्णा के मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि हमेशा मैं उपवास रखते आ रही हूं, अभी भी मुझे रखना चाहिए, मैं क्या करूं। पूर्णा सामूहिक सप्ताह में भाग ले रही थी। इसका अर्थ क्या है, देखो व्हाट्सएप पे ना ये लोग सब एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ही दिन में शिरडी साई सच्चरित्र पारायण समाप्त करते हैं। कैसे, हर एक व्यक्ति को 2-3 अध्याय दिए जाते हैं और वो पढ़ते हैं। ऐसा हो जाता है कि पूरा समूह मिलके पूरा ग्रंथ का पठन किया है, है ना। उस दिन पूर्णा का अध्याय जो था वो था 32, चैप्टर 32। अब वो जैसे ही वो पढ़ रही है उसमें एक भाग आता है गोखले और उपवास। श्रीमती गोखले को श्रीडी बाबा कहते हैं कि जब मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि वे उपवास करें, उन्हें अच्छा से भोजन करना चाहिए। और ये श्रीमती गोखले जो थी वो बाबा को देखने के लिए उपवास करके आई थी। बाबा उसे बोलते हैं कि तुम घर जाओ और पूरण पोड़ी बना के खा लो। पूरण पोड़ी जो है एक मिठाई है, उसके अंदर जो मिठास भरते हैं ना उसे पूर्ण कहते हैं। और अभी इस पूर्ण पोड़ी की कहानी पूर्ण जिसमें पूर्ण भरा है वो पूर्णा पढ़ रही थी। पारायण को पूर्ण करो लेकिन पूर्ण पोड़ी भी खाओ, पूर्ण मिठाई से भर लो, मिठास से भर लो अपनी जिंदगी। पूर्णा, पूर्ण पोड़ी के बारे में, पूर्ण भर के खाने के बारे में, अबे ये कितना अच्छा चमत्कार है ना। ये सब के कारण मैंने भी सोच लिया कि ठीक है, मैं भी शिरडी साई सच्चरित्र का पारायण कर देता हूं, एक सप्ताह कर लूंगा। तो हर रोज ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि 7-8-9 अध्याय करना पड़ता है। अकेले अगर पूरा किताब हम समाप्त करना चाहते हैं तो उतना समय तो बिताना पड़ता है। तो मैं पढ़ने लगा, लेकिन जब मैं ये पढ़ने लगा ना मेरे मन में कई सारे विचार आने लगे। एक तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये किताब उतनी अच्छी से लिखी नहीं गई है, मतलब इसमें जो व्याकरण है ना वो सही नहीं है और कहानी बताने की जो टेक्निक है वो और भी बढ़िया हो सकती है। इतना अच्छा कहानी है लेकिन इसने उतने अच्छी तरह से लिखा नहीं है, ऐसे सब विचार आने लगे। और मतलब जो बोलते हैं ना दिल में भक्ति प्रेम श्रद्धा वो सब उतना नहीं जाग रहे थे। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैंने तो वादा कर दिया है कि एक सप्ताह करूंगा, उसके लिए इसका पठन कर रहा हूं, देखेंगे क्या होता है। तो ये पढ़ते गया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवा दिन और आखिरी दिन जब आया ना 7वां दिन, तो सुबह में उसकी मैंने खत्म कर दिया। मैंने शिरडी साई सच्चरित्र का पारायण खत्म हो गया था और पूजा ने एक मिठाई बनाई थी, वो मिठाई नैवेद्य के रूप में सौंप कर शिरडी बाबा को, आरती भी हमने किया। फिर मैं गया रेडियो साई अपने ऑफिस। मैं जानता नहीं क्यों लेकिन मेरे आंखों से आनंद भाष्प निकलने लगे। बस मेरे दिल के अंदर स्वामी को याद कर रहा हूं और मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, अपने आप निरंतर आ रहे हैं। स्टूडियो में एक दो स्टूडियो में मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अरविंद तुझे क्या हो गया, और उनसे बात करते हुए भी मैं रो रहा हूं। मैं मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मालूम नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं मैं, और मैं भी नहीं जानता था क्या हो रहा है। लेकिन सच में मैं इतना आनंदित था क्योंकि पूरा मेरे दिल के अंदर स्वामी ही स्वामी फूट रहे थे। देखिए भाई और बहनों,
मैंने भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि भगवान जो हमें देते हैं वो सबसे सर्वोत्तम है और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज मांगता हूं, मैं बोलता हूं कि स्वामी हमेशा मुझे आपकी याद आना चाहिए, हमेशा मेरे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा ये प्रार्थना तो करते रहता हूं, कहीं भी मंदिर में, कोई भी साधना के बाद, कोई भी भाषण के बाद। तो शिरडी साई सच्चरित्र पढ़ते समय भी यही मेरे अंदर आशा थी, मैंने प्रकट नहीं किया लेकिन यही था कि स्वामी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ना चाहिए। और भाई और बहनों, सच में ऐसा प्रेम आने लगा ना, फूट फूट के। वो पूरा दिन, वो एक गुरुवार था मुझे याद है, पूरा दिन मैं आनंद में था स्वामी को याद करते हुए। तब मुझे पता चला कि ये जो साई सच्चरित्र में है वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो कोई व्याकरण नहीं है, उसमें कोई सस्पेंस ये सब की कोई जरूरत नहीं है। उस अनुभव के बाद मेरे दिल में एक बार प्रार्थना जाग उठी। मैंने स्वामी से कहा कि स्वामी जैसे हेमंत पंत जी ने ये कहानियां लिखी है उसी प्रकार मैं भी आपकी कहानियां लिखना चाहता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी कहानियां सुनाना चाहता हूं लोगों को। और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था तब मैंने फिर से श्री साई सच्चरित्र किताब को खोला और इस पन्ने में बाबा बोलते हैं कि हेमंत पंत को अपनी कहानियां लिखने दो, लेकिन मैं उसके भीतर जाके उस कहानी में जान डालूंगा, मैं उन कहानियों से अपने भक्तों को छूंगा। तब मुझे पता चला कि श्री साई सच्चरित्र के रचयिता हेमंत पंत निमित्त मात्र है, वो बाबा ही उसकी रचना की है। और फिर से दिल में वो प्रार्थना जोर से जाग उठी कि बाबा जब मैं आपकी कहानियां सुनाऊंगा तब भी आप ही सुनाना, क्योंकि आपकी तरह आपकी कहानी कोई और सुना नहीं सकते हैं, और जब आप सुनाएंगे तो सभी भक्तों के दिल में भक्ति भर आएगी। ये कहते हुए मैं ये समाप्त करूंगा कि हे स्वामी मेरे दिल में आपके प्रति प्रेम जो है, हम सब के दिल में आपके प्रति जो प्रेम है वो हर क्षण बढ़ते रहना चाहिए। साई राम, साई राम।